गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में देश को युवा खिलाड़ी अपने कौशल और धैर्य का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के पूर्व खिलाड़ी इन खेलों में युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए भी दिख रहे हैं। पूर्व टेनिस खिलाड़ी गौरव नाटेकर भी राष्ट्रीय खेलों में युवाओं के खेल का आनंद ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधा की भी तारीफ की। गौरव नाटेकर से खास बात की गोवा में मौजूद हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। हम इस वक्त गोवा में हैं जहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और इस वक्त हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान जो यहां पर आज एक खास मेहमान के तौर पर आए हैं, पूर्व टेनिस खिलाड़ी गौरव नाटेकर। गौरव, गोवा में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है और काफी उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय खेलों को लेकर, तो किस तरह से देख रहे हैं गोवा की राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को? जी, मैं समझता हूँ कि नेशनल गेम्स का जो कॉन्सेप्ट है कि टीम वर्क होना चाहिए और खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ खेलने और सीखने का उनको मन करना चाहिए, मैं समझता हूँ उस हिसाब से पहले जो दो तीन दिन हुए हैं इस गोवा के नेशनल गेम में, मैं समझता हूँ कि वो एक ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छा हो रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी, मतलब उन्होंने एक तरह से एक लेवल ऊपर लेके गए हैं गोवा के गवर्नमेंट में ने, और मैं समझता हूँ कि इस वजह से इस नेशनल गेम्स के बाद जो भी नेशनल गेम्स होंगे मैं समझता हूँ कि और भी अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज हो। वाटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जिस तरह से आपने बोला कि इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगर हमें ओलंपिक में मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में अपने मेडल्स बढ़ाने हैं तो अलग अलग खेलों पर ध्यान देना होगा। वाटर स्पोर्ट्स को मतलब मानते हैं आप एक इंडिया का अच्छा ब्राइट फ्यूचर? देखिए, हर स्पोर्ट में अगर एक उत्साह होता है और अगर टैलेंट है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है और उसमें अगर स्पॉन्सरशिप और पैसे आते हैं तो दे विल बी डेफिनेटली बहुत सारा हम लोग हमारा इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और मेडल्स भी जीतेंगे। ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा। तो भारत में जिस तरह का हम एक पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनता हुआ देख रहे हैं, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से देख? नहीं, अभी ये नेशनल गेम देखिए या जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि 2036 ओलंपिक्स के लिए भारत बिड करेंगे, मैं समझता हूँ ये खेल के लिए नहीं लेकिन खिलाड़ियों के लिए भी और जो एक खेल का इकोसिस्टम है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसलिए कि जब आप ओलंपिक्स या यूथ ओलंपिक्स के लिए बिड करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट प्रोग्राम, स्पॉन्सरशिप्स, जो एक पूरे दुनिया का जो एक अटेंशन होता है वो भी भारत पे आएगा और मैं समझता हूँ ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।